नहीं जी, एक बैड सीन हो गया। हम इधर आए हुए थे हज़रत साले इब्ने मूसा काजिम के मज़ार के ऊपर, और मैंने अपने शूज़ यहाँ पर उतारे, तो मेरे जो ट्रैकिंग के शूज़ हैं वो कोई शहज़ादा जो है उसको पसंद आया और वो लेकर चला गया। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड, टोटली इम्प्रेस्ड तेहरान ने, ईरान ने, ईरान की पुलिस ने, और स्पेशली जो बाजार की जितनी भी मैनेजमेंट थी, जितने भी यहाँ के लोग थे, टोटली इम्प्रेस्ड बाय देयर मैनेजमेंट, बाय देयर बिहेवियर्स। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ माय थर्ड डे इन तेहरान, और पाकिस्तान से निकल के हम रोड ट्रिप कर रहे हैं ईरान और टर्की का। इस वक्त चौथा या पांचवा शहर है हमारा ईरान का, और तेहरान शहर को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तीसरा दिन है मेरा आज ओवरऑल तेहरान के अंदर, और तेहरान को हमने कुछ जगह कल कर ली थी कवर, और एक दो जगह आज रह गई थी जिसकी वजह से मैंने अपना दिन भी एक्सटेंड किया यहाँ पर। तो आज चलते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है यार, कुछ सिवीनियर्स लेने हैं, कोई इनके मज़ीद बाज़ार वगैरह देखते हैं, क्योंकि होता ही है कि नॉर्मली आपको अगर बाज़ार से कुछ नहीं भी देना है, लेकिन जो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करते हो जाते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, असल में ज़्यादा मज़ा उसी का आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग आज मज़ीद ईरान तेहरान शहर के जो हैं वो बाज़ार और गलियाँ और उनकी मज़ीद कुछ जो जगह रह गई हैं वो विज़िट करेंगे। तो जल्दी जल्दी आएँ, ज़रा ब्रेकफास्ट बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग बैग शैग को जमा करवा के निकल पड़ेंगे दोबारा से तेहरान शहर को एक्सप्लोर करने। सुबह सुबह हम लोग अपने हॉस्टल में सेल्फ सर्विस है, अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाना है। मैं बना रहा हूँ टमाटर, पहले इसकी तरीके ग्रेवी बना के फिर इसमें हम करेंगे अंडा ऐड। तो आज ये नाश्ता करने के बाद तेहरान की कुछ और जगह हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद रात को आई थिंक हम लोग निकलेंगे। जी शुक्शुका टाइप कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। टमाटर की ग्रेवी बनाई है और हमने उसके अंदर एग्स डाल दिए थी, अब ये ज़रा पकेंगे, पानी और हल्का सा ऑयल डाला इसके अंदर हमने, साथ इसकी पनीर है और उसके साथ इनके ये हैं जी पत्थर की तरह नान होते हैं ठंडे, यहाँ इसके साथ खाना पड़ता है हमें, और यहाँ पर नान का ये सीन है कि ठंडे मिलते हैं। हम लोग आ गए हैं ईरान के एक और बहुत ही तेहरान शहर के एक फेमस बाज़ार जिसका नाम है तजरीश बाज़ार, और ये भी बहुत फेमस बाज़ार है, और अगर आप इसको देखें तेहरान शहर के बिल्कुल एंड साइड के ऊपर आता है, जहाँ पे तेहरान थोड़ा सा पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो जाता है, और ये थोड़ा सा पहाड़ी साइड के ऊपर है, और यहाँ पर कहते हैं कि आलमोस्ट ये 100 साल पुराना बाज़ार है, और लोग यहाँ पर आया करते थे हॉलीडे और वेकेशंस के लिए, ताकि ठंडे इलाके के अंदर इधर आके थोड़ा सा वो टाइम स्पेंड करें, और साथ ही फिर आस्ता आस्ता ये बाज़ार बनता गया। पहले इधर गार्डन हुआ करता था, फिर लोगों की ज़्यादा रुझान की वजह से यहाँ पे बन गया ये एक अदद बाज़ार। तो इस वक्त अगर आप देखें यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, है पतला सा लेकिन बहुत साफ़ सुथरा, ऊपर छतें बनी हुई हैं और नीचे ज़्यादा ये इधर वो मसाले और आपको स्वीट काफ़ी चीज़ें नज़र आएंगी।
तो यहाँ से हम ज़रा तजरीज़ बाज़ार फिरते हैं, इसके बाद हम लोग खाएँगे यहाँ का ईरानी फूड और फिर उसके बाद शाम को हमने एक बहुत ही अच्छी जगह के ऊपर जाना है। तो देखते हैं यार, सोवेनियर्स मुझे अभी तक नहीं मिल रहे ईरान के, मुझे 10-15 दिन 12 दिन हो चुके ऑलमोस्ट, लेकिन ईरान के सोवेनियर्स नहीं मिल सके कहीं किसी शहर से भी। तो मुझे कहा गया है कि मुझे हॉस्टल वाले ने बताया कि यहाँ से आपको मिल जाएंगे, लेट्स सी अगर मिलते हैं तो आपको भी दिखाता हूँ। कुछ खाना खाते हैं यहाँ पे ईरानी, इधर चल रहा है चिकन और बीफ का शवरमा जो कि है ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 400-500 रुपये का, और यहाँ पे इनकी ईरानी डिशें हैं जी। ये कोफ्ता है, हैवी हैवी, ये सारे 500-500 रुपये की डिश है ऑलमोस्ट। ये बहुत मोटा मसर है, ये लोबिया और नूडल्स हैं, और ये पता नहीं चिकन का कुछ शोरबा है। इधर इन्होंने रखा हुआ है, रेडी रखे हुए हैं सारे पिज्ज़े, जैसे कि ऑर्डर करेगा यहाँ पे ग्रिल में लगा देंगे, और इधर से पिज्ज़ा जो है। ऑल राइट जी, अनदर ईरानी फूड। ये हमने वैसे खाया था शायद कहाँ पर, किश आइलैंड में खाया था, और बड़ा हैवी सीन है जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये देते इतनी ज़्यादा अमाउंट है कि दो बंदे हम तो इजीली खा लेते हैं। और ये पीसेस देखें ज़रा, ओहो चिकन के जूसी जूसी और बहुत बड़े पीसेस हैं, और ये राइस के भी बहुत अच्छा पोर्शन है यहाँ पर। ये प्याज है थोड़ा सा आई थिंक रोस्ट हुआ हुआ, और ये टमाटर है इसके साथ। चलें जी जल्दी जल्दी से खाते हैं और उसके बाद चलेंगे आगे तजरीश में कुछ शॉपिंग करना। अच्छा, आपको यहाँ पे ईरान में एक मज़े की चीज़ बताता हूँ कि क्योंकि इनकी करेंसी इतनी डी वैल्यू है, हर चीज़ कोई 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए की आती है, छोटी से छोटी भी। इस वजह से यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड है और डेबिट कार्ड है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इतने हैवी कैश ना लेके जाना पड़े। मज़े की बात ये होती है कि कोई फ़कीर भी आता है उसके हाथ में भी क्रेडिट कार्ड की मशीन होती है, कोई जो फेरी वाला होता है उसके पास भी क्रेडिट कार्ड की मशीन होती है। और इस वक्त मैं एक मज़ार में आया हूँ, और वहाँ पर ये देखेंगे चंदा बॉक्स है, और चंदा बॉक्स में भी पैसे डालने के बजाय इन्होंने यहाँ पे मशीन लगाई हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अब कैश लेके चलते ही नहीं है यहाँ पे, कार्ड लेके चलते हैं यहाँ पर। जी एक बैड सीन हो गया, हम इधर आए हुए थे हज़रत साले इब्ने मूसा काजिम के मज़ार के ऊपर, और मैंने अपने शूज़ यहाँ पर उतारे अंदर जाने के लिए, और नमाज़ भी पढ़नी थी। हमने नमाज़ पढ़ के जब बाहर आए हैं तो मेरे जो ट्रैकिंग के शूज़ हैं वो कोई शहज़ादा जो है उसको पसंद आया और वो लेकर चला गया। यहाँ पर उतारे थे जी हमने शूज़, और वापस आए हैं तो अब्दुलरहमान के शूज़ पड़े थे और मेरे शूज़ को यहाँ से ले गया। तो अब क्या करें यार, अभी तो सफ़र स्टार्ट हुआ है, बैठ सी मैं नंगे पाँव जाना पड़ेगा बाज़ार और नए शूज़ ख़रीदने पड़ेंगे। इस दौरान वर्कर्स मुझे मज़ार की मैनेजमेंट ऑफिस में ले आए और वहाँ इंतज़ार करने को कहा, और फिर मुझे तजरीश बाज़ार ले आए ताकि एक वर्कर मेरे लिए नए शूज़ लेकर आए। अच्छा जी, अब जो इंतज़ामिया है यहाँ की, वो बींग अ टूरिस्ट हमारे साथ काफ़ी तावन कर रही है, और
ये लोग मुझे खुद शूज़ लेकर दे रहे हैं बिकॉज मैंने तो बिल्कुल पैदल हो गया था और मेरे शूज़ भी अच्छे खासे महंगे थे यहाँ पर, लेकिन ये कि गुजारा करने के लिए कोशिश करें कि मुझे कोई यहाँ से शूज़ लेके दे दें। एक शूज़ इन्होंने ला के दिया मुझे, लेकिन वो एक साइज़ छोटा था, तो दोबारा मुझे ये साथ ही लेके जा रहे हैं कि आप खुद ही चेक कर लें। आप तो ऑब्वियसली महंगे शूज़ नहीं लेके दे रहे, लेकिन फिर भी इनका थैंक यू। ये लोग सिर्फ एज ए टूरिस्ट रिस्पेक्ट के तौर के ऊपर चाह रहे हैं कि बार बार सॉरी करी जा रहे हैं। अब दूसरा पेड़ लेने जा रहे हैं हम। चेक कर रहे हैं यहाँ शूज, एक दो और दिखाए इन्होंने, तो देसी ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी है ऑलमोस्ट, कोई 1500। तुम्हारा भी ये शूज़ होगा, मेरा वो शूज़ जो मेरे साथ काफ़ी पूरी दुनिया फिरा है, काफ़ी मुल्क हैं उस शूज़ में, और इवन पूरा पाकिस्तान मैंने जितना भी बाइक टूर्स किए हैं अपने उस शूज़ के साथ किए। कोलंबिया के शूज़ थे, वो मैंने अमेरिका से ख़रीदे थे, और अब मुझे अगले शूज़ भी अमेरिका से लेने पड़ेंगे। और शूज़ ने अपने पैसे पूरे कर लिए थे, अभी बेचारा ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन उसने को पाँच छः नहीं बहुत ज़्यादा मुल्क में उस शूज़ों के साथ और अपने पाकिस्तान से लगा कर सकता। अब ये पहनते हैं जनाब तहरान से, उनका शुक्रिया कि ये अपने गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर जो मज़ार की पूरी मैनेजमेंट थी उन्होंने इसको इसके ऊपर एक्शन लिया, और उन्होंने कहा कि ये हमारे उसके खर्चे के अंदर जाएगा, और गवर्नमेंट की तरफ से ये लोग हमें मुझे इन्होंने अब ये शूज़ दे के दिए। मुर्तज़ा, आई वॉन्ट पिक्चर विद मुर्तज़ा। तो यार ये है मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ईरानी हॉस्पिटैलिटी का भी, और स्पेशली एक टूरिस्ट के साथ इन्होंने जितनी केयर वाला मामला किया है, ये इतना ज़्यादा वो शर्मिंदा हो रहे थे कि एक बंदा नमाज़ पढ़ने आया और उनका इतना फेमस मज़ार, ये हज़रत साले जो कि इमाम मूसा काज़िम के बेटे थे, उनका मज़ार था यहाँ पर, और वहाँ पर हम नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे अपनी, और जैसे और हार्डली 5 मिनट में तो कसर पढ़नी थी, 5 मिनट में पढ़ के हम बाहर आए और शूज़ लाए थे। सिक्योरिटी कैमरे में देखा तो एक बाबा जी हम पे पहले ही नज़र रख के बैठे हुए थे, और उन्होंने सारा सीन देखा कि जैसे ही हम शूज़ उतार के अंदर गए उन्होंने बैग उतारा और मेरे शूज़ों पे उनकी नज़र थी, और उन्होंने जो है वो अपने बैग में मेरे शूज़ डाले और वो रफू चक्कर आ गए। बट मुझे क्योंकि आगे भी पूरा ट्रैवल करना था, तो मुझे अभी यहाँ से क्योंकि आगे जाना है, तबरेज़ भी जाना है तहरान से, और उसके बाद मुझे आगे टर्की का भी सारा सफ़र करना है, तो मुझे शूज़ चाहिए थे। मैंने उनके साथ भी शेयर किया कि यार मैंने तो अभी वापस नहीं जाना, अभी मैंने टर्की भी जाना है, तो उन्होंने कहा नहीं अब तो शूज़ हम ही लेकर देंगे आपको, और उन्होंने गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर स्लिप वगैरह बना के दिया, और अभी उन्होंने मुझे शूज़ लेके दिए हैं। थैंक यू सो मच जी ईरान गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच कि आपने एक टूरिस्ट को इस तरह जो है वो हेल्प आउट किया एक मुश्किल वक्त के अंदर। थैंक्स टू तहरान एंड थैंक्स टू ईरान गवर्नमेंट। हेलो Yes, Murtaza. Yes. We are leaving on Tochal. You are coming again? No. कह रहा दोबारा आ रहा हूँ. No. Okay. बाजार जो मौका है. कह रहा रुको मैं आ रहा हूँ फिर यहाँ दोबारा. Okay. ले जी कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। हम लोग बस शूज़ लेने के बाद अब टैक्सी में बैठने लगे थे जहाँ पे हमने जाना था आज एक माउंटेन टॉप के ऊपर, लेकिन मुझे जिन्होंने अभी मुर्तज़ा भाई ने शूज़ लेके दिए उनकी एकदम मुझे कॉल आई, बाई चांस वो मेरा नंबर ले गए थे, उनकी एकदम कॉल आई है कि जाना नहीं आपके शूज़ मिल गए हैं, तो शूज़ हम उन्होंने वापस किए हैं दोबारा से, और अब कह रहे हैं आ जाओ। ले जी मुर्तज़ा भाई हमें फिर लेके जा रहे हैं हरम में, भागम भाग एक दफ़ा फिर जा रहे हैं हम। आज तो दुरे लग गई हैं यार। देखें जी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं ट्रैवल के अंदर,
और कुछ लोग कहते हैं यार मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, जब भी किसी के साथ होता है ट्रैवल में, तो हमेशा याद रखें कि ये सरप्राइजेस ट्रैवल का पार्ट होते हैं, और अगर ये ना हो तो आपके ट्रिप यादगार भी नहीं बनता। अच्छा, जिसने पकड़ी थी यू पिक स्पीक इंग्लिश यस गुड I am cold. Actually, I am cold. I am cold. I am not. Lenji, काफी twist होने के बाद, I am back with my lucky shoes, जिनको मैं पहन के काफी travel करता रहता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, और I am totally impressed तेहरान ने, ईरान ने, ईरान की पुलिस ने, और स्पेशली जो हज़रत साले इब्ने मूसा काज़िम का मज़ार की जितनी भी मैनेजमेंट थी, जितने भी यहाँ के लोग थे, टोटली इम्प्रेस्ड बाय देयर मैनेजमेंट, बाय देयर बिहेवियर्स, वंडरफुल पीपल, और जिस तरह उन्होंने एक टूरिस्ट का एहसास करते हुए मेरे लिए जान मारी, पहले तो मुझे नए शूज़ लेकर दिए, और उसी दौरान उन्होंने अपनी जो पुलिस थी उसको चारों तरफ लगा दिया हुआ था सिक्योरिटी कैमरे में से, उन्होंने उस बाबे की पिक्चर निकाल ली हुई थी, एक कुर्दिस्तान का बाबा था जिसने चुराए थे शूज़, और वहाँ से उन्होंने पुलिस ने पता नहीं कोई एक डेढ़ किलोमीटर दूर जाके उसको पकड़ा, और फौरन कॉल आई मुझे कि जी वापस आ जाएं, मुझे नए शूज़ लिए थे, उस बेचारे को भी वापस किए, और जब गए तो मेरे शूज़ आगे सामने तैयार थे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच ईरानी पीपल, ईरानी पुलिस, ईरानी गवर्नमेंट एंड द केयरटेकर ऑफ दिस हरम मज़ार, जो भी यहाँ के लोग थे। तो अब हम थोड़ा लेट हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह के ऊपर लेके जाना है, बहुत ही आज हमारी दौरे लगी हैं, बट दैट वाज वंडरफुल डे, बड़ा एक्साइटिंग था। अब वही आप देख रहे हैं कि वो पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं चारों तरफ, और प्लान हमारा ये है कि हमने इस पहाड़ के टॉप पे जाना है ताकि हम तेहरान का खूबसूरत व्यू लेकर फिर इस शहर से निकलें। जल्दी से टैक्सी लेते हैं और निकलते हैं। जी शूज़ों की स्टोरी हैंडल करने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं अब पहाड़ के टॉप के ऊपर। इस जगह का नाम है तोचल और टैली कैबिन, यानी कि इधर केबल कार चलती है और माउंटेन के टॉप पे लेके जाया जाता है। हम लेट हो गए हैं कि अपनी पूरी शूज़ और इसकी स्टोरी की वजह से, लेकिन फिर भी जाना है। कल भी पहले भी हम कोशिश करते रहे, नहीं जा सके, लेकिन आज पूरा पक्का प्लान है कि हम लोगों ने मिस नहीं होने देना इसको, और ज़रूर विज़िट करना है इस जगह को, और फिर ही हम तेहरान का शहर यहाँ से गुड बाय करके जाएंगे। ये है तेहरान शहर का वलियासर स्ट्रीट, यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स भी नज़र आ रहे हैं, और ख़ूबसूरती इसकी ये है कि इसके दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं लंबे लंबे, और ऊपर से आगे ही मिले हुए हैं, तो इसको वलियासर फॉरेस्ट भी कहा जाता है और वलियासर स्ट्रीट भी कहा जाता है। गाड़ी हमें छोड़ के चली गई है और काफ़ी ऊपर आ गए हैं, और अगर आप ये देखें तेहरान शहर, मैंने जूम किया है काफ़ी ज़्यादा, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये शहर पूरा नीचे तेहरान नज़र आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली सीन ये हो गया, जैसे हम पहुँचे हैं वो कह रहे हैं कि केबल कार बंद हो चुकी है, या शायद हम लेट पहुँचे हैं, या शायद इसकी सर्विस नहीं चल रही है, तो जाके पूछते हैं क्या सीन है। लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर कहते हैं कि इधर लोग पैदल हाइकिंग करके भी कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, कुछ केबल कार के पॉइंट हैं, कुछ पैदल चलने के भी कुछ पॉइंट्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं। तो चलें, अभी शाम होने में कुछ टाइम है, कोशिश करते हैं किसी अच्छे व्यू पॉइंट पर पहुंचने की। ये पूरा तेहरान शहर नज़र आ रहा है। हम अभी
पहाड़ के टॉप पे नहीं गए लेकिन ये खूबसूरत पॉइंट नज़र आया था तो मैंने कहा बना लूँ कि इससे पहले। इस पॉइंट पे हम अभी खड़े हैं, ये इधर एक कैफ़े बना हुआ है लेकिन ये वाला जो सारा पोर्शन है ये बिल्डिंग्स वाला है और पीछे भी बल्कि बिल्डिंग्स ही हैं, छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। ये है हमारा माउंटेन तोचल और ये इसका वॉकिंग ट्रैक। मसला ये है कि अगर केबल कार होती तो हम उस माउंटेन के वहाँ पे टॉप पे चले जाते और बहुत ज़बरदस्त व्यू आता। बहुत बहुत ही यख ठंडी हवा चल रही है लेकिन मसला ये है कि शाम हो रही है, हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया शूज़ के चक्कर के अंदर। लेकिन मसला एक और भी है कि केबल कार भी नहीं चल रही, इसकी वजह से हमें पैदल जाना पड़ रहा है। तो शायद आधे रास्ते में हमें अंधेरा हो जाए लेकिन फिर शायद हमें नाइट के कुछ व्यूज़ आएंगे जो शायद कैमरे में तो कैप्चर ना हो सके लेकिन हम अपनी आंखों से लाइव ज़रूर देखेंगे। ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट और हम अभी आए हैं हाफ पॉइंट पे, हम लोग रुके हैं, मज़ीद लोग ऊपर जा रहे हैं पहाड़ की टॉप पे जहाँ पे केबल कार आपको टॉप तक लेके जाती है और इसके साथ साथ एक वो गोल्फ कार्ट भी चलती है, वो भी आपको लेके जाती है। लेकिन क्योंकि शाम हो गई थी अब गोल्फ कार्ट भी नहीं चल रही थी और केबल कार भी नहीं चल रही, लेकिन हम लोग यहाँ पे आ गए हैं मिडल ऑफ द पॉइंट के ऊपर भी पूरे के पूरे तेहरान शहर का जो व्यू आ रहा है दैट्स अमेजिंग जी। हवा इधर बहुत ज़्यादा तेज़ है, मुझे पता है कि आवाज़ में भी नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। तेहरान के अंदर ये वाला पॉइंट एक बिल्कुल आपकी लिस्ट के अंदर होना चाहिए और मुझे खुशी है कि मेरा ये पॉइंट हो गया। मैंने बड़ी देर से लिस्ट में बनाया हुआ था कि मेरा मिस नहीं होना चाहिए। बहुत पसंद आया तेहरान में, इसकी सारी जगह नहीं एक्सप्लोर कर सका। इंशाल्लाह मुझे पता है कि मैं नेक्स्ट टाइम एक दफ़ा फिर आऊँगा ईरान भी और तेहरान भी, और स्पेशली जो आज तेहरान के लोगों ने जो दिल जीता है उसके लिए तो थैंक यू करने दोबारा आना ही पड़ेगा। तो ये है तेहरान का व्यू पॉइंट, इसको कहते हैं तो चाल टेली कैबिन वाली जगह और हम लोग यहाँ पे इंजॉय करने के बाद निकल जाएंगे। ट्रेवल ऑफ में इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा और बींग ए ट्रैवलर को अपनी दुआ में याद रखिएगा।